18.5 ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के किसी भी स्वरूप का उपयोग करने के लिए हमें ऊर्जा को किसी स्रोत से प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। उदाहरणतः हमारे घर में विद्युत ऊर्जा का स्रोत कोयला, नाभिकीय विखंडन या पन बिजली ऊर्जा घर हो सकते हैं। कारों को चलाने के लिए रासायनिक ऊर्जा पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन से प्राप्त हो सकती है। इन्हें ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। आज हमारे देश को सबसे अधिक आवश्यकता है ऐसे स्रोतों की, जिनसे हमारे देश की बढ़ती विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति हो सके। विद्युत उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा को एक स्वरूप से विद्युत ऊर्जा के स्वरूप में रूपांतरित करना पड़ता है। यह विधि तत्काल रूपांतरण, जिसमें ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदला जाता है, अथवा मध्यवर्ती रूपांतरण, जिसमें ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में और फिर विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, हो सकती है। आज अधिकतर ऊर्जा मध्यवर्ती रूपांतरण द्वारा ही विद्युत में बदली जाती है। इन दोनों ही विधियों के लिए कई प्रकार के ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। जीवाश्म ईंधन, नाभिकीय विखंडन, सौर ऊर्जा, पन बिजली आदि। 18.5.1 ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। पहला, जीवाश्मी ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, रसोई गैस, केरोसिन, डीजल आदि ईंधन हैं। इनका उपयोग गैस स्टोवों, चूल्हों अथवा वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से होता है। साथ ही ये विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी प्रमुख स्रोत के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्मी ईंधन का दहन करके जल उबालकर भाप बनाई जाती है। यह भाप टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। ऐसे संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहा जाता है, क्योंकि इन संयंत्रों में ईंधन के दहन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इस प्रकार के विद्युत में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा पहले ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है, जो टरबाइन को घुमाने से यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जिनसे विद्युत जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऊर्जा रूपांतरण के प्रत्येक पड़ाव पर ऊर्जा की कुछ मात्रा अनुपयोगी रूप में व्यय हो जाती है। जीवाश्म ईंधन से चलने वाले विद्युत संयंत्र केवल 40% ही दक्ष होते हैं। जीवाश्म ईंधन को जलाने की अन्य हानियां भी हैं। जीवाश्मी ईंधन के जलने पर कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। इन अम्लीय ऑक्साइड से अम्लीय वर्षा होती है, जो जल व स्मारकों को प्रभावित करती है। दूसरा, जल विद्युत संयंत्र। ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत बहते जल की गतिज ऊर्जा या ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा है। गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर टरबाइन पर डाला जाता है। इस टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत जनरेटर को दी जाती है और अंततः विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों, कृत्रिम झीलों में जल एकत्रित करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। इन जलाशयों में वर्षा के समय जल संचित होता रहता है। यह संचित जल बांध के ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा बांध के आधार के पास लगे टरबाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिरता है। फलस्वरूप टरबाइन की ब्लेड घूर्णन करती है और जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि वर्षा के बाद जलाशय पुनः भर जाता है। बांध निर्माण के साथ कई समस्याएं भी जुड़ी। इसमें बहुत से खेती योग्य भूमि तथा मानव आवास डूब जाते हैं। बहुत से पारिस्थितिक तंत्र भी नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, जैव मात्रा, बायोगैस। हमारे देश में कृषि एवं पशुपालन को विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ कृषि अपशिष्ट तथा पशुओं की बहुतायत होने के कारण गोबर भी सरलता से उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इन्हें सीधे जलाकर ऊर्जा प्राप्त करने का प्रचलन है। इससे ऊर्जा का एक बड़ा भाग प्रकृति में विलीन हो जाता है। ये ईंधन अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते,
तथा इन्हें जलाने पर अत्यधिक धुआं निकलता है। इसलिए इन ईंधनों की दक्षता में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा आवश्यक है। जब लकड़ी को वायु की सीमित मात्रा में जलाया जाता है तब उसमें से जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और रह जाता है सिर्फ चारकोल। चारकोल को जलाने पर धुआं नहीं होता और यह बिना ज्वाला के जलता है। इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता भी अधिक होती है। गोबर, पादप अपशिष्ट और मल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होकर बायोगैस, जैव गैस बनाते हैं। बायोगैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है। बायोगैस संयंत्र में ईंटों से बनी गुंबद टंकी होती है जिसमें गोबर व जल का गाढ़ा घोल स्लरी बनाया जाता है। इसे संपाचित्र डाइजेस्टर में डाल देते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। अवायवीय सूक्ष्म जीव जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती गोबर का अपघटन करते हैं। जैव गैस को संपाचित्र के ऊपर बनी टंकी में संचित किया जाता है। इसे पाइपों द्वारा बाहर निकाला जाता है। जैव गैस में 75% मीथेन गैस होती है जो धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है और इसके जलने के पश्चात राख जैसा कोई अपशिष्ट भी नहीं बचता है। जैव गैस का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। चौथा, पवन ऊर्जा। अध्याय 3 में हमने देखा कि किस प्रकार सूर्य के विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान तप्त होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है और पवनों का प्रवाह होता है। पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्यों को करने में होता है। उदाहरणतः पवन चक्कियों की पंखुड़ियों की घूर्णन की गति का उपयोग कुएं से जल खींचने के लिए होता है। आजकल पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी हो रहा है। पवन चक्की की घूर्णी गति का उपयोग विद्युत जनित्र जनरेटर के टर्बाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सारी पवन चक्कियां लगाई जाती हैं जिसे पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पहला, पवन से चक्कियों में गति आती है। दूसरा, शॉफ्ट द्वारा जनित्र शुरू होता है और विद्युत उत्पन्न होती है। तीसरा, ट्रांसफार्मर द्वारा विद्युत उच्च विभव पर परिवर्तित किया जाता है। चौथा, विद्युत ग्रिड द्वारा विद्युत संचारण होता है।